दोस्तों हम सभी को पता है कि बॉलीवुड जो है वो यंग टैलेंट्स को दबाने की काम करती है। हमने देखा है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के रूप में एक उभरता हुआ सितारा हमारे सामने से, हमारे आंखों के आगे से कहीं दूर चला गया। ये हम सब ने देखा है, ये हम सब ने विटनेस किया है। और आप सोच रहे होंगे आज की भाई एडीज एम्पायर को हुआ क्या है, क्यों आखिरकार ये बॉलीवुड की बात कर रहा है। भाई कार्बी आंगलोंग का 71st कार्बी आंगलोंग डे जो सेलिब्रेशन हुआ था उत्सव के बारे में आप जरूर जानते होंगे। और आपको यह भी पता है कि वहां पर रितो रिभा परफॉर्म करने के लिए गया था, सुनिधि चौहान परफॉर्म करने के लिए आई थी। और वहां पर एक घटना होता है जो कि मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं, किस तरह से उन्होंने उभरते हुए सितारे को, एक यंग सितारे को जो कि लोगों के दिल की धड़कन है, उसको दबाने की कोशिश की है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टा में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग्स देखना, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो भाई आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा जो कल का वीडियो था जिसको मैंने कार्बी आंगलोंग के प्रोग्राम के होने के बाद अपलोड किया था, उसमें मैंने कुछ कमियां देखी थी उस प्रोग्राम के दौरान। स्पेशली रितो रिभा जब गाना गा रहा था तो साउंड सिस्टम की कुछ कमियां मुझे नजर आई थी, तो उन कमियों को मैंने उजागर करते हुए बताया था कि भाई जो साउंड सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई साउंड सिस्टम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन देखो भाई मैं कोई भी बात यूं ही नहीं करता हूं, हवा में नहीं करता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने क्यों कहा था कि साउंड सिस्टम का प्रॉब्लम है। आप ये क्लिप देखिए, तो दोस्तों देखा आपने कि इसमें जो है रितो रिभा के माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार उनका साउंड टोटली चला जाता है। लेकिन भाई इस चीज को टोटली जब मैंने पूरी तरह से स्टडी किया तो मुझे पता चला, मुझे यह समझ में आया कि सुनिधि चौहान और उनका जो टीम वहां पर आया था ये सब कुछ उनका किया धरा था। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, सुनिधि चौहान और उनकी टीम का। अब आप में से बहुत सारे लोग जो सुनिधि चौहान के फैन होंगे वो ये कहेंगे कि भाई आप सुनिधि चौहान को क्यों कह रहे हो, इसमें जो गलती है वो उनकी टीम की है। देखो भाई सुनिधि चौहान भी वहां मौजूद थी, जब उनका टीम जो है वहां पर कुछ कर रहा था तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनिधि चौहान की भी होती है। लेकिन सुनिधि चौहान इस मामले में शांत थी। आखिरकार बात क्या हुआ था, वहां पर होता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि देखो रितो रिभा जो है जिनको वहां पर इनवाइट किया गया था, वो भी एक फेमस आर्टिस्ट है जो कि करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं, जिनके लिए करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की थी, जिनके दीवाने दूसरे देशों में भी बैठे हुए हैं, उन आर्टिस्ट के साथ वहां पर बदतमीजी की जाती है, बदसुलूकी की जाती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्बी आंगलोंग का टीम है उन लोगों ने नहीं किया, जो कार्बी लोग हैं वहां के उन्होंने नहीं किया, जिन्होंने इनवाइट किया था उन्होंने नहीं किया, बल्कि खुद एक दूसरी आर्टिस्ट का टीम, मतलब कि सुनिधि चौहान का टीम जो है उनके साथ बदसुलूकी करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है, उनके कैमरामैन को इवन धक्का मुक्की किया जाता है वहां पर, उनको तीन गाने गाने के बाद परफॉर्म करने नहीं दिया जाता है। और इसी दुख को जो है ना रितो रिभा ने प्रकाशित किया है, इसी दुख को उन्होंने दिखाया है इंस्टाग्राम के एक स्टोरी के थ्रू, शायद वो स्टोरी आपने देखा होगा, ये देख सकते हैं आप, जिसमें रितो रिभा जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि उनको प्रॉपर माइक चेक का, साउंड चेक का टाइम भी नहीं दिया गया और भाई उनको तीन चार गाने गाने के बाद उनको रोक दिया गया, उनका जो साउंड है वहां से अनप्लग, जो सिस्टम है वहां से उनका जो साउंड का जो भी माइक वगैरह था उनको अनप्लग कर दिया जाता है। और साथ साथ भाई उनके साथ बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत वहां पर की जाती है और वो किया जाता है सुनिधि चौहान के मैनेजिंग टीम जो है उनकी तरफ से, और इसके लिए सुनिधि चौहान भी रेस्पॉन्सिबल है। और मैं आपको बताऊं, जैसा मैं आपको
बोल रहा था कि क्यों उभरते हुए कलाकार को ये देना नहीं चाहते आगे बढ़ना, क्योंकि इनको डर है कि इनका जो मार्केट है ना वो मार्केट खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोग जो है ना ये किसी को आगे बढ़कर आना बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। इसी के साथ साथ वहां पर जो होस्ट थी, वहां पर होस्ट थी जिनका नाम था मार्गरेट टेरेंगपी, उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने उनको भी धक्का मुक्की करके उनको भी वहां से निकाल दिया। धक्का मुक्की इन द सेंस कि उनको वहां पर उन्होंने स्टेज में रुकने का मौका ही नहीं दिया, जिनको कि स्टेज दिया था वो जो 71st कार्बी अंगलोंग डे सेलिब्रेट करने वाली टीम थी, उस मैनेजिंग टीम ने उनको वो मौका दिया था होस्टिंग करने का, लेकिन इनको भी वहां से निकाल दिया जाता है। और उन्होंने अपने उस दुख को प्रकाशित करते हुए, अपने उस दुख को बताते हुए लोगों के सामने ये शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पर, जिस पर आप देख सकते हो कि वो बताती है रितो रिबा को कि भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया वहां पर, मुझे इवन वहां पर परफॉर्म भी करने नहीं दिया गया। भाई ये जो सेलिब्रिटी है, सिंगर्स है, बॉलीवुड के है, ये खुद को समझते क्या है? मेरी तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये पता नहीं कि इनको इस जगह पर पहुंचाने वाले भी हम हैं, इनके गाने को हम सुनते हैं तब जाकर के ये किसी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, और ये लोग जो है हम जैसे कॉमन पीपल, हम जैसे लोगों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। इसी के साथ फू म्यूजिक जो है, जो लोकल सिंगर थी, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके का हरकत वहां पर किया जाता है, और उन्होंने भी जो है फेसबुक में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो बता रही हैं कि उनके साथ भी इसी तरीके की बदतमीजी वहां पर की जाती है। तो भाई इतने लोग जो हैं, क्या वो सारे लोग झूठे हैं? और सुनिधि चौहान और उनका जो मैनेजमेंट है ना, क्या वही सही है? तो भाई देखो, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ मुझे कि नॉर्थ ईस्ट में आकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये बॉलीवुड के लोग जो है, ये कुछ लोग जो है ये क्या करते हैं, उनके साथ बदसुलूकी करते हैं, उनको इवन गाने का मौका तक नहीं दिया जाता है। जबकि वहां पर जो भीड़ जमा थी वो सुनिधि चौहान के लिए बिल्कुल भी जमा नहीं थी, वहां के जो लोग थे वो हमारे प्यारे रितो रिबा को सुनने के लिए वहां पर थे। भाई उनके साथ भी इस तरीके का हरकत वहां पर किया जाता है, टेरेंगपी, हमारी मार्गरेट टेरेंगपी के साथ ऐसा हरकत किया जाता है, पू म्यूजिक के साथ ऐसा किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। और मैं तो भाई यहां से ये कहना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड का बहिष्कार होता है ना हमारे देश में, जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और इसको जो है ना हमें भी दिशा देने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रोग्राम होता है तो इस तरह के जो सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स है, जो सिंगर्स है, इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए भाई, इनके मार्केट को टोटली डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिंगर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है कि कई इंडियन आइडल के विनर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं, हमारे यहां से जो डांस इंडिया डांस के विनर्स हमारे यहां से, और ऐसे टैलेंट जो इंडियन आइडल के मंच तक, जो डांस इंडिया डांस के मंच तक, जो सारे गामा पा के मंच तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे गरीब घर में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड सिंगर हैं जिनको कि इस तरह के मौके पर गाने का चांस देना चाहिए, और इन बॉलीवुड के लोगों को सबक सिखाना चाहिए, इनको इनकी औकात बतानी चाहिए कि भाई इनका जो औकात है ना वो बॉलीवुड तक ही रखे भाई, उससे ज्यादा इनका कोई औकात नहीं है गाइस। तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा बुरा लगा जब मैंने ये देखा और मैंने ये जाना इसके बारे में, तो भाई इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि इसके बारे में मैं आपको बता सकूं और आप सभी को इन्फॉर्म कर सकूं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्या आपको मैंने जो बात कही वो सही लगी? अगर सही लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।